देश की राजधानी दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और इस बीच दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की तादाद 12 पहुंच चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल में आज एक और मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ ही सर गंगाराम अस्पताल में अब 5, अपोलो अस्पताल में 5, एम्स में 1 और हिंदू राव अस्पताल में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। दिल्ली में चिकनगुनिया के करीब 1,750 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक तरफ जहां चिकनगुनिया लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू ने भी कहर बरपाया हुआ है। राजधानी में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। एम्स के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि 1 से 13 सितंबर के बीच डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौसम में 1,150 से ज्यादा लोग डेंगू से प्रभावित हुए हैं। एम्स में बुधवार को और 5 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली के RML अस्पताल में मरीज के परिजनों से झड़प के बाद डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए। पीड़ित मरीज के परिजनों का कहना है कि उनकी हालत बेहद खराब थी। कई बार कहने के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं शुरू कर रहे थे। इस पर जब घर वालों ने हंगामा किया, तो अस्पताल की एक डॉक्टर गार्ड के साथ मिलकर उन्हें पीटने लगी। इस हंगामे के बाद अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हालांकि रात 3 बजे डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली थी। तो दिल्ली चिकनगुनिया और डेंगू का डबल अटैक झेल रही है। मरीज बेहाल है, अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। वैसे यह हाल दिल्ली का ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी डेंगू और चिकनगुनिया पैर पसार रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।